जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है, और खास होने की जो खास वजह है वो ये है कि इस एक ही वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 महीनों के बारे में। इसको आप त्रिमासिक राशिफल भी बोल सकते हैं कि भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये साल के अंतिम 3 महीने हैं। ये साल के आखिरी 3 महीने आपकी राशि के लिए कैसे हैं, क्या इसमें शुभ है, क्या अशुभ है, क्या आपके लिए लाभ है, क्या सावधानी है, जीवन के सभी फैक्टर्स के बारे में उसमें बात करेंगे कि आज आप जिस काम को शुरू करने जा रहे हैं वो काम आने वाले 3-4 महीने में आपको कैसा रिजल्ट देगा। क्या आप नौकरी की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, प्रमोशन की उम्मीद लगाकर बैठे हैं, अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी मैरिज हो जाए, प्रेम संबंध अच्छे हों, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी हो, उन सब के ही बारे में इस वीडियो में हमारी विस्तार से चर्चा होगी, जिसको हमने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है कि स्वास्थ्य सम्मान कैसा है, शिक्षा प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, नौकरी व्यापार लाभ प्रमोशन कैसा रहेगा, विवाह, ये सब को हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है, यह है एक गोचर, यह आपकी संपूर्ण कुंडली का फलित बिल्कुल भी नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं कि आपकी राशि से गोचर या ग्रहों की व्यवस्था आने वाले 3 महीने में कैसी है। सबसे पहले स्वास्थ्य और सम्मान को लेकर बात करने वाले, क्योंकि बहुत से धनु राशि के जातकों के जीवन में हेल्थ को लेकर इश्यूज आए हैं, प्रॉब्लम चल रही है उनके लाइफ में। वो बताते हैं कि हमें अपने हमारे जीवन में अगर देखें तो वर्ष 2023 जैसे ही शुरुआत हुई तो हमें कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए। अप्रैल के बाद वो हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, अभी भी वो प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा हुआ। उसके पीछे रीजन ये है कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो बृहस्पति है, और राशि का जो मालिक बृहस्पति है यहाँ से पंचम भाव में बैठा है, अपने मित्र मंगल की राशि में है, त्रिकोण भाव में है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ से बैठकर वापस राशि को दृष्टि देता है। इसको कहते हैं क्षमता देना, किसी भी चीज़ से लड़ने के लिए क्षमता अगर कोई ग्रह दे रहा है तो या तो वो राशि का लॉर्ड मजबूत है, या वो अपने घर को देख रहा है, या वो उच्च का है, या वो स्वराशि का है। ऐसा ही बृहस्पति आपकी ही राशि को देखकर आपको परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है, लेकिन ये ग्रह यहाँ अभी तक राहु के साथ है और 30 अक्टूबर तक ये राहु के साथ ही रहेगा। यानी अप्रैल से लेके अगर कहीं ना कहीं हम अक्टूबर तक की स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि, आपके डिसीजंस, आपकी एजुकेशन, आपकी लव लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आई है, हेल्थ इश्यूज़ भी आए हैं, आप भ्रमित भी हुए हैं, आपके कन्फ्यूज़न भी हुए हैं, आपको किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस, किसी न किसी प्रकार का तनाव अपने जीवन में देखने के लिए मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्टिल यानी 30 अक्टूबर तक भी ये स्थिति आपके साथ रहेगी। राहु पूर्ण रूप से वहां से नहीं गए हैं, जबकि देखा जाए तो राहु की स्थितियां, राहु का नक्षत्र, राहु की गति बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बृहस्पति पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रांग भी हो गए हैं, वक्री हो गए। अब 30 अक्टूबर को इसका पूर्ण निवारण निकलेगा कि 30 अक्टूबर को बृहस्पति राहु यहां से निकलकर 4th हाउस में आ जाए। यहाँ भी ये बृहस्पति की राशि में बैठ के बृहस्पति के ही फल देंगे, यानी बृहस्पति अब दो तरीके के फल देगा, राशि के लॉर्ड के भी देगा, राहु के कारण भी देगा, और पंचम में बैठकर त्रिकोण भाव में वक्री होकर अच्छे रिजल्ट देगा। अब यहाँ बृहस्पति की पंचम दृष्टि और शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, सिर्फ यही दो ग्रह हैं जो सिंगल तौर पर इसे देख रहे हैं, पहले राहु भी देख रहा था लेकिन अब सिंगल तौर पर शनि और बृहस्पति इसको देख रहे हैं, और शनि और बृहस्पति का देखना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये स्थितियां आपके जीवन में आपके भाग्य स्थान पर एक दोहरे गोचर के रूप में फ्रेश तौर पर दिखाई देगी। यानी अब कहीं ना कहीं 9th हाउस आपके भाग्य का जो मालिक है, भाग्य का जो भाव है, वो एक्टिवेट होगा। अक्टूबर के महीने के बाद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, हेल्थ इश्यूज सॉल्व होंगे, लाइफ में किसी भी प्रकार के काम में कुछ भी अड़चनें यदि आ रही हैं तो वो आप देखेगा कि अक्टूबर के बाद वो बहुत हद तक सॉल्व होती दिखाई देंगी। यानी नवंबर और दिसंबर से आप अच्छी खासी उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ये प्लेनेट हमें कुछ अच्छा देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। आइए इससे आगे चलते हैं कि भाई हाँ, हेल्थ इश्यूज अगर लाइफ में कोई है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो अक्टूबर के बाद सॉल्व होती पूर्ण रूप से दिखाई देंगी। आइए देखते हैं आपकी शिक्षा, आपके प्रेम संबंध, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, ये इस दौरान कैसे रहने वाले, कि आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आपके डिसीजंस कैसे रहेंगे। जब हम डिसीजंस की बात करते हैं तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि बृहस्पति का राहु से खत्म स्थिति हो रही है, यानी नवंबर के महीने से आपकी अच्छी स्थिति शुरू, नवंबर के महीने से बुद्धि स्थान पर गुरु राहु का चांडाल दोष नहीं बनेगा, यानी अब आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि अब बृहस्पति अकेले हैं,
बुद्धि निर्णय के हिसाब से ठीक है। पंचम भाव में बैठे हैं, शिक्षा विद्या बुद्धि के लिए शुभ माने गए हैं। शनि और बृहस्पति दोनों यहाँ देख रहे हैं, इसका मतलब ये नाइन्थ हाउस पर पड़ रही दृष्टि हायर एजुकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं शुभ मानी गई है। जब हम पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव के मालिक को भी देखते हैं, उसका मालिक है मंगल। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल यहाँ है, जिसके साथ सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सूर्य पंचम से पंचम तो है ही, और सूर्य हायर एजुकेशन का कारक है नाइन्थ हाउस का। अब आप देखिएगा, पहले सूर्य दिग्बली थे, फिर सूर्य यहाँ पहुंचे, यानी लगातार सूर्य का जो मिलन है वो मंगल के साथ है। लेकिन फिफ्थ हाउस बुद्धि है, सबसे पहले दिमाग लगता है किसी भी चीज़ में, सबसे पहले बुद्धि लगती है, सबसे पहले योजनाएं लगती हैं, और वो चीज़ हमें आप देखेंगे वो बृहस्पति से मिल रही है। वो मंगल इसको वापस देख रहा है अपने ही घर को, यानी बृहस्पति ने पंचम को भी देखा, बृहस्पति ने नवम को भी देखा, इसी बृहस्पति ने पंचम के मालिक मंगल को देखा, और मंगल और बृहस्पति का म्यूचुअल एस्पेक्ट, यानी क्लियरली हम कह सकते हैं कि भी अक्टूबर और नवंबर में आपकी बुद्धि और आपके निर्णय से आपको अच्छा खासा पैसा बनने की स्थिति दिखाई दे रही है। कोई अच्छा डिसीजंस आपको तरक्की देगा, कोई अच्छा डिसीजंस आपकी तरक्की कराएगा, आपको प्रमोशन कराएगा, एजुकेशनली आपको कुछ अच्छा गेन होगा। एजुकेशन करते हुए जो लोग जीवन में ये चाह रहे हैं कि मेरा एजुकेशन हो जाए और एजुकेशन के बाद मुझे प्राप्ति हो जाए, यानी मेरे को कोई पैकेज मिल जाए, मेरे को कोई नौकरी मिल जाए, मेरी एजुकेशन से मुझे फायदा हो, ये अच्छा है। 16 नवंबर के बाद मंगल 12वें घर में होंगे, जहाँ सूर्य भी वहीं पहुँच जाएंगे। हायर एजुकेशन करने के लिए बाहर जाना, पढ़ने के लिए बाहर जाना, पढ़ने के लिए वीज़ा मिलना, पढ़ाई के लिए विदेश जाना, घर से बहुत दूर जाना, ये संकेत यहाँ दिखाई देते हैं। यानी 16 नवंबर के से लेके दिसंबर के अंत तक की जो स्थितियाँ हैं, अगर आप इस चीज़ में कोई अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं विदेश कब जाऊंगा, मैं पढ़ाई के लिए विदेश कब जाऊंगा, एजुकेशन के लिए विदेश कब जाऊंगा, तो वो सब हमें यहाँ से पूर्ण रूप से दिखाई देता है। यानी एजुकेशनली एक बहुत अच्छा समय। आप शनि को भी देखेंगे तो शनि की दृष्टि भी 12वें घर पर पड़ेगी उस दौरान, यानी जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब ये पंचमेश भी हैं, तो कभी कभी क्या है, मन में सवाल है कि मेरी संतान का विदेश में एडमिशन हो जाए कहीं, मेरी संतान विदेश चली जाए, तो यही वो समय होगा जिसको हम कह सकते हैं कि भाई नवंबर और दिसंबर के महीने आपकी संतान को सेटल कर देंगे। आइए आगे चलते हैं। बहुत बार तो ऐसी स्थितियों में संतान की शादी से संबंधित भी योग बन जाते हैं। नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन, तरक्की कैसे होंगे इन 3 महीनों के अंदर? सबसे पहले कुछ पॉजिटिव चीजें हमने आपको अभी तक दिखाई। पहली चीज दिखाई थी हमने शनि का 9th हाउस पर दृष्टि, दूसरा बृहस्पति की भी दृष्टि दिखाई, तीसरी चीज राहु केतु एक्सेस बनेगा यहाँ, राहु बृहस्पति की राशि में रहेंगे, दशम भाव से संबंध बनाएंगे और बृहस्पति यहाँ होंगे। इसका मतलब राहु शनि और बृहस्पति हमारे लिए एक पॉजिटिव ग्रह। फिर एक ग्रह बताया था मैंने आपको मंगल, जो कि पंचमेश होके वहाँ चल रहा था, जिसको हम लक्ष्मी त्रिकोण भाव का मालिक भी कहते हैं। अब आती है प्योरली प्रोफेशनल लाइफ की बारी, कि हमने भाग्य के मालिक सूर्य को देखा, लाभ के मालिक को भी देखा, अब हम देखते हैं प्योरली प्रोफेशन कराने वाला ग्रह कौन है। मरकरी, बुध ग्रह। बुध ग्रह दशम ही नहीं, दशम से दशम का स्वामी भी है। इसको कहा जाता है कि ये आपके कर्म भाव को संभालने वाला ग्रह है, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ को संभालने वाला ग्रह, दशम से दशम का स्वामी बुध है। अब ये बुध 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक रहेगा उच्च का होकर दशम भाव में, यानी एक नींव भर दी इस ग्रह ने कि भाई आने वाले समय में मैं प्रोफेशनली गेन देने के लिए तैयार हूँ, प्रोफेशनली फायदा देने के लिए तैयार हूँ। अगर आप नौकरी के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप अपनी तलाश जारी रखें, इन 3 महीने में एक अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटी और नौकरी आपके लिए तैयार है, मिलेगी ही मिलेगी, ये बात पक्की है। वहीं ये प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यानी आप व्यापार या बिजनेस अगर कुछ भी करते हैं, ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कमीशन दलाली का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा माना गया, क्योंकि बुध इनका कारक है। अब बुध ग्रह यहाँ से बात फिर 9th हाउस 11th हाउस में पहुँच जाएगा, हाउस ऑफ गेन के कर्म का मालिक 18 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक रहेगा तुला राशि में लाभ भाव के अंदर। फिर यही बुध आप देखिए 6 नवंबर से 26 नवंबर तक पहुँचेगा 12वें घर में। यानी सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, 6 नवंबर से 26 नवंबर के बीच जो प्लेनेट है बुध वो 12वें घर में जाएगा। इसको मैंने आपको बताया था कि उस दौरान वहाँ सूर्य भी होंगे, उस दौरान वहाँ मंगल भी होंगे, और ये भी कहा था कि ये स्थिति विदेश से या घर से जोड़ से जोड़ने वाली है। अब इसको दूसरी तरीके से समझो, वो था एजुकेशन का मामला, ये है प्रोफेशन का मामला, कि प्रोफेशनली मैं अपने आप को बाहर सेटल करना चाहता हूँ,
मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मैं घर से दूर जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे बाहर जाकर काम मिल जाए, तो ये सारी की सारी जो स्थितियां हैं ये बुध से फुलफिल होती हैं। यानी अगर देखा जाए नवंबर और दिसंबर के महीने इतने खास हैं, जो शिक्षा कर रहे हैं उनको बाहर से जोड़ रहा है और जो प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी या व्यापार कर रहे हैं उनको बाहर से जोड़ रहा है। टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, आना जाना, ये सब कुछ हमें बारहवें घर से दिखाई देता है। इसी पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। यानी लगातार स्थितियां ग्रहों की देखें तो कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिविटी है। 26 नवंबर के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे धनु राशि में, दो केंद्र के मालिक होकर केंद्र में रहेंगे और यहाँ वक्री भी हो जाएंगे। यानी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है इन 3 महीनों के अंदर। कहीं ना कहीं प्रोफेशनली प्लेनेट कोई बहुत तंग करने वाला है, परेशान करने वाला नहीं दिखता। ये आपकी तरक्की के लिए, आपकी नौकरी या व्यापार दोनों क्षेत्रों के लिए बहुत शुभ है। अब देखते हैं कि इस महीने व्यवहार वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, क्या इस दौरान विवाह होगा, वो सब कुछ हमें देखा जाता है। कहीं ना कहीं 7th हाउस के सातवां घर और सातवें घर का कारक है शुक्र। सातवें घर का मालिक हमने दो जगह देखा और दोनों जगह पॉजिटिविटी देखी कि 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर सप्तमेश उच्च का। अब सप्तम का मालिक उच्च का हो, या तो इस दौरान रिश्ता होता है, या जीवन साथी राइज कर जाता है, या जीवन साथी को नौकरी तरक्की मिल जाती है, या जीवन साथी से कोई सहयोग मिल जाता है। 7th लॉर्ड इन 11th हाउस 18 अक्टूबर से 6 नवंबर, या तो जीवन साथी मिल जाएगा, या विवाह पक्का हो जाएगा, या रिश्ता पक्का हो जाएगा। यहाँ वो चीज़ है, यानी जीवन साथी की तरक्की के लिए यह स्थिति है, लेकिन जीवन साथी का मिलना इसलिए क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि भी इसको पड़ रही है। उसके बाद की स्थिति जब बुध बारहवें घर में पहुंच जाएंगे तो शायद वो स्थिति पॉजिटिव शादी के संबंधों के लिए लगती रही है। मैरिड लाइफ का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना होगा कि जब बुध ग्रह 12वें घर में ट्रांजिट करेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि 6 नवंबर से 26 नवंबर इस दौरान थोड़ी सी अपनी मैरिड लाइफ का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। तो ये था एक एनालिसिस 3 महीने में ग्रहों की स्थितियां, ग्रहों का गोचर या संबंध, आपकी राशि यानी धनु राशि के जातकों के लिए कैसा है, ये सब मैंने आपको यहाँ विस्तार से समझाने की कोशिश की है। जय श्री राम।